ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति न इष्टकी। ओम, हम लोग पढ़ रहे हैं 1723। तो अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं, तुमा दया पुरुषा साक्षात ईश्वरा प्रकृते परः माया व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। आप यदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं, आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट जाता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को यदि परमेश्वर आदि परमेश्वर कहा गया है, उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी भगवान को ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत में के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर है। अंधकार सूर्य को का विकृत उल्टा रूप है, अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है। लेकिन सूर्य में अंधकार का नामोनिशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत हैं। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति तीन गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान हैं, अतः वे पूर्ण हैं। उनको अनेक शक्तियां हैं, उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियां या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता। ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारिजातं सहगणर सान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगणदिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 और श्लोक नंबर 23। तो मादेव पुरुषा साक्षात ईश्वर प्रकृते पर मायम व्युदस्य चक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपने आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? ये श्लोक बोल रहे हैं अर्जुन। कब बोल रहे हैं? अश्वत्थामा ने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा है अर्जुन के ऊपर, और अब अर्जुन जो है, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन जो है वो भी काउंटर अटैक करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे, लेकिन अर्जुन जो है काउंटर अटैक करने के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ते हैं, रादर वो जो है भगवान कृष्ण का शरण लेते हैं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। ये तो ये वो श्लोक चल रहे हैं, ये जो अभी जो 3-4 श्लोक है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो जो कल का श्लोक था, आज का ये श्लोक, कल का जो श्लोक होगा वो, ये सब जो है अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान कृष्ण से। कब प्रार्थना कर रहे हैं? जब अश्वत्थामा ने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा। किसके ऊपर छोड़ा? अर्जुन के ऊपर छोड़ा। क्यों छोड़ा अश्वत्थामा ने जो है ब्रह्मास्त्र? अपने को डिफेंस करने के लिए, सेल्फ डिफेंस में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है और हम सबकी लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? अभी हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है इतने बड़े योद्धा हैं और उनकी लाइफ में सडनली इतना बड़ा अटैक हो जाता है। अर्जुन की लाइफ में इतना बड़ा अटैक हो जाता है कि उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। ब्रह्मास्त्र जो है एक अचूक अस्त्र है, बहुत स्पेसिफिक है। जिसको मारने के लिए ये अस्त्र छोड़ा है उसको ही मारेगा और मारे बिना छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि एक बम फोड़ दो तो 50,000 लोग मर जाएं, नहीं। जिसको मारने के लिए छोड़ा है, चाहे वो कहीं पर भी हो, कितना भी दूर हो, कितने भी कमरों के अंदर हो, वो उसको पकड़ेगा और उसको ही मारेगा। अगर आपने किसी चींटी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वो पर्टिकुलर उस चींटी को ही मारेगा और उसके बाजू वाली चींटी को नहीं मारेगा। इतना स्पेसिफिक काम करता है ब्रह्मास्त्र और बहुत पावरफुल है। इसका अग्नि बहुत स्ट्रांग है, पूरे ब्रह्मांड को जला में को जो है का ताप बढ़ा देने वाली होती है इसकी अग्नि। बहुत स्ट्रांग अस्त्र होता है। तो अर्जुन के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन के पास एक ऑप्शन था कि वो भी ब्रह्मास्त्र चला दें, अर्जुन को पास स्किल्स भी थी चलाने की, लेकिन अर्जुन ने डिसाइड किया भगवान की शरण लेने।
और ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिनके लिए हम लोग तैयार नहीं रहते। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र इमीडिएट छोड़ा था, और हमारी लाइफ में भी काफी सारी चीजें इमीडिएट आएंगी। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, खुश होंगे आप और आनंद में होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और आपकी प्लानिंग के हिसाब से आगे भी फ्यूचर में बहुत अच्छा अच्छा होने वाला था। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ खत्म होता हुआ दिखेगा। एक ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जिसके बाद लगेगा कि आपकी लाइफ खत्म हो गई, अब आगे कुछ नहीं बचा और कुछ करने के लिए है नहीं, एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया मेरा। इस तरह की कई बार सिचुएशंस लाइफ में आएंगी। क्या एक बार आएगी? नहीं, बार बार ऐसे सिचुएशंस आएंगी। कई बार छोटे रूप में आएगी, कई बार बड़े रूप में आएंगी, लेकिन बार बार ये सिचुएशन लाइफ में आएगी। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमारा रिएक्शन क्या होगा, ये डिसाइड करेगा कि हम लोग कितने भक्त या हमने कृष्ण की कितनी शरण ली है, ये डिसाइड करेगा। क्योंकि जब तक लाइफ में चीजें अच्छी चल रही थी, सब कुछ हैप्पी हैप्पी था, सब कुछ आपके प्लान्स के हिसाब से चल रहा था, तब भक्ति करना एक बात है, और जब आप देखते हैं कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, बार बार लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सोचा नहीं था वो चीजें हो गई, हाँ, तब भक्ति करना दूसरी चीज है। तो ये जो है डिफरेंशिएट करता है भक्तों में और एक नए लोगों में। तो भगवान इस तरह का टेस्ट हमारे सामने बार बार रखेंगे, ये हमारी शरणागति को टेस्ट करता है। अर्जुन ने क्या किया? भगवान की शरण ली। और हम क्या करते हैं? हम अपनी शरण लेते हैं, हम अपनी शरण लेते हैं, अपने बल की शरण लेते हैं, अपने मन की शरण लेते हैं, अपनी बुद्धि की शरण लेते हैं, और उसको विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। किसकी शरण ले रहे हैं हम? हम अपने खुद की लेते हैं, हमें क्या सही लग रहा है इस सिचुएशन में करने में, हम वो करने जाते हैं। यहाँ पे अर्जुन फर्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं? त्वम आद्य पुरुषः, आप जो है आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। भगवान क्या है? आदि पुरुष है। भगवान को पुरुष क्यों बोला गया है? भगवान को इसलिए पुरुष बोला गया है क्योंकि भगवान जो है एक्चुअल कंट्रोलर है, हर चीज के भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, भगवान हर चीज के कंट्रोलर हैं, भगवान हर चीज के भोक्ता हैं, भगवान हर चीज के ईश्वर हैं, भगवान हर चीज को धारण करने वाले। अब बाकी लोग कौन है फिर? एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब क्या है? एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये केवल ईश्वर जो है कौन है? कृष्ण है, बाकी सब कौन है? भगवान के सेवक। दो तरह के लोग, प्रकृति है भगवान की, आध्यात्मिक प्रगति प्रकृति और भौतिक प्रकृति। तो हम लोग क्या है? भगवान की प्रकृति, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश क्या है? ये भगवान की भौतिक प्रकृति है। जीव क्या है? भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति है। लेकिन दोनों ही क्या है? प्रकृति। प्रकृति का नेचर क्या है? सेवा करना, प्रकृति
प्रकृति का नेचर क्या है? पुरुष के द्वारा कंट्रोल्ड होना, ये क्या है? प्रकृति का नेचर। प्रकृति कंट्रोलर नहीं है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये जो प्रकृति है ये भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। ये जो प्रकृति है ये भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, और हम कौन है? प्रकृति है। तो हमारा नेचर क्या है? भगवान की अध्यक्षता में काम करना, ये हमारा नेचर है। तो अब भले ही हम अपने आप को जितना मर्जी कंट्रोलर समझ लें, हम कंट्रोलर नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है। जितना मर्जी कोशिश कर लें, कंट्रोलर नहीं है। जैसे अगर कोई लड़की लड़के के कपड़े पहन ले, अगर कोई लड़की लड़कों के कपड़े पहन ले और एक आर्टिफिशियल दाढ़ी और मूछ लगा ले, तो वो आदमी नहीं हो जाएगी। वो एक्सटर्नली अपीयरेंस में आदमी लग सकती है, बट आदमी नहीं हो जाएगी। वैसे अगर एक लड़का अगर साड़ी पहन ले लड़की के जैसे तैयार हो जाए, तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स लड़के के हैं वो लड़के के हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लड़की के हैं वो लड़की के। एक दूसरे का ड्रेस पहनने से एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ जाएंगे। वैसे ही प्रकृति भले ही अपने आप को पुरुष समझ ले, लेकिन पुरुष हो नहीं पाएगी। जीव अपने आप को जितना मर्जी कंट्रोलर समझ ले, लेकिन कंट्रोलर बन नहीं पाएगा, बस फ्रस्ट्रेट होता जाएगा, क्योंकि चीजें कंट्रोल में रहेंगी नहीं। तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, ये सब चीजें बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि जो हम है नहीं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम है नहीं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है नहीं। लेकिन जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम हर चीज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, हर चीज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। अब यहाँ पे अगली बात यहाँ पे सीखने को मिलती है कि अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में, अब क्या करें। तो इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु हमें सिद्धांत क्या सिखाते हैं, आश्लिष्य वा पाद्रताम पिनष्टुमाम मर्हताम यथा धात वा विदधाति लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। कहते हैं कि आप चाहे मुझे स्वीकार कीजिए या मार दीजिए, जो इच्छा लगे सो कीजिए, लेकिन मैं आपका दास हूं, आप मेरे मेरे जो है हमेशा प्राण है। तो ये जो है बात बोलते हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु, कि जो भी सिचुएशन आए, जैसी भी सिचुएशन आए, उसको स्वीकार करें, और उस सिचुएशन में भक्ति करने का हमें प्रयास करना है। तो तीन श्लोक जो हमने भगवद गीता में आते हैं एक साथ, वो हम उसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई इस सिद्धांत पे कैसे आए कि हम हर सिचुएशन में भगवान की भक्ति कर सके, हम लोग भगवान की शरण ले सके, इस सिद्धांत पे कैसे आए? क्योंकि हम तो अफेक्ट हो जाते हैं, हम तो हमारी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे अफेक्ट हो जाते हैं। तो हम भगवद गीता के तीन श्लोकों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला श्लोक है देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते।
क्या बताया गया इस श्लोक में कि हम जो है शरीर नहीं है, क्या है? आत्मा है। और मनुष्य का जो है शरीर कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है। वो जन्म लेता है, बड़ा होता है और बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसका शरीर जो है बूढ़ा होता चला जाता है, और बूढ़ा होते होते वो जो है व्यक्ति मर जाता है। लेकिन भले ही बार बार ये शरीर जो है बदल रहा है, लेकिन इस शरीर में रहने वाली आत्मा जो है वो सेम रहती है, और उसमें किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं आता है। और एक धीर व्यक्ति इस चीज से अफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला सिद्धांत जो हमें सीखने को मिल रहा है वो ये है कि इस चीज को मानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। बार बार इस बात को हमें याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी दुख आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अपने आप को ये शरीर मान लिया है। और इस शरीर से कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं उनसे हम अपना संबंध समझते हैं। लेकिन इस संसार का नेचर कैसा है? टेम्पररी नेचर है, अशाश्वतम। इस संसार का नेचर कैसा है? अशाश्वतम। लेकिन आप कैसे हैं? आप सनातन हैं। आत्मा क्या है? आत्मा सनातन है। अब भगवान बता रहे हैं कि मामे वांश जीव भूत जीवलोक सनातन। जो आत्मा है वो सनातन है। भगवान क्या है? सनातन है। भगवान का धाम कैसा है? परस्तस्मात् भावो अन्य व्यक्तो व्यक्तात् सनातन। भगवान का धाम कैसा है? सनातन है। कृष्ण कैसे हैं? सनातन है। जीवात्मा कैसी है? सनातन। तो आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है, भगवान का धाम सनातन है, लेकिन ये भौतिक संसार कैसा है? अशाश्वत है। तो हम लोग इस भौतिक संसार में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को जो है शरीर मान लिया है। और इस अशाश्वत शरीर के साथ जो हमारे अशाश्वत संबंध है उनको हम लोग सर्वोपरि मान रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे परमानेंट चाहते हैं। जैसे जो लोग रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, उनके मन में क्या इच्छा उत्पन्न होती है कि हम अपना घर बना लें। घर बनाने का रीजन क्या है? कि हमारा एक परमानेंट घर हो जाएगा जहां पे हम लोग परमानेंटली रह सकते हैं, बार बार बदलना ना पड़े। तो क्या टेंडेंसी है? परमानेंट घर बनाने की टेंडेंसी है। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। एक लड़का लड़की है, आपस में दोस्त हैं, क्या इच्छा होती है? शादी कर लें। शादी करने से क्या होगा? रिलेशन परमानेंट हो जाए, नहीं तो कभी भी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो शादी करने से क्या होगा? चीजें परमानेंट हो जाएंगी। फिर हम अच्छी हेल्थ चाहते हैं। क्यों चाहते हैं अच्छी हेल्थ? ताकि हम लोग जो है परमानेंटली जो अच्छे से रहे। भले ही ये सब करने के बाद भी चीजें परमानेंट नहीं होती। आप अपना घर ले लोगे तो भी परमानेंट नहीं होगा, हम शादी कर लेंगे तो भी शादी परमानेंटली नहीं रहेगी, हम लोग अच्छी हेल्थ बना ले तो भी परमानेंटली नहीं रहेगी। ये सब चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर टेंडेंसी क्या है? परमानेंट का। लेकिन परमानेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि ये संसार कैसा है? अशाश्वतम। लेकिन परमानेंट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अज्ञानता के कारण, अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के कारण हम लोग जो है इस संसार को परमानेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को याद दिलाना होगा बार बार कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। पहला सिद्धांत, ठीक है। दूसरा, अगला श्लोक जो है इसी के कंटिन्यू में, वो क्या है? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा
अगाम पायनोस नित्यस तांस्तितिक्षस्व भारता। अब इस श्लोक में क्या बताया है मात्र स्पर्श शास्त्र कौन्तेय में? इसमें बताया है कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं इस संसार में, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आप क्या करो, उनको आप स्वीकार करो, उनको सहन करने की कोशिश करो। कैसे सहन करने की कोशिश करो? जिस तरह से आप जो है सर्दी गर्मी सुख दुख इनको सहन करते हैं, उस तरह से इस संसार को सहन करने की कोशिश करो। क्योंकि सुख की सिचुएशन भी परमानेंट नहीं है, दुख की सिचुएशन भी परमानेंट नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है? सहन करना है। कितना सहन करना है? जीवन भर सहन करना है। क्यों सहन करना पड़ेगा? क्योंकि ये टेम्पररी है, क्योंकि अब टेम्पररी चीज को बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। देखो ये संसार टेम्पररी है, लेकिन हम लोग संसार की चीजों से तो अटैच हो ही जाते हैं, हम लोग संसार की चीजों से तो अटैच हो ही जाते हैं ना। हम लोग जैसे कोई व्यक्ति है, हम लोग इस चीज को तो मान रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है, टेम्पररीली हम लोग इस चीज को मान लेते हैं। हाँ, लेकिन हमारा अटैचमेंट तो शरीर के साथ हो जाता है, उसके दिखने के, उसके बोलने के ढंग से, दिखने के ढंग से, चलने फिरने हंसने रोने के ढंग से हम लोग अटैच हो जाते हैं, उसके व्यवहार उसके विचार से अटैच हो जाते हैं, फिजिकल अपीयरेंस से अटैच हो जाते हैं, जो जो उसने एक्टिविटीज की उससे अटैच हो जाते हैं। तो अब क्या करें? सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, अपने को बार बार क्या करना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पहला सिद्धांत। और जितनी भी ये जो टेम्पररी चीजें आ रही हैं, इफेक्ट हो रही हैं, उनको क्या करना होगा? सहन करना होगा। क्यों? क्योंकि टेम्पररी नेचर है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, सपोज मुंबई से आप अहमदाबाद की ट्रेन में जा रहे हैं, 8 घंटे का रास्ता है, ओवरनाइट जर्नी है, आप 10 बजे रात में बैठे, सुबह 4-5 बजे तक आप अहमदाबाद स्टेशन पहुंच जाएंगे, ये आपकी ट्रेन है। अब आपने देखा ट्रेन में जो है आपके सीट में जहां पे आप बैठे थे वहां की जो लाइट जो है उतने अच्छे से नहीं जल रही है, तो अब आप क्या करेंगे? आप जो है अगले स्टेशन पे उतर के नई लाइट खरीद के लेके आएंगे और वहां पे लाइट बदली करेंगे ट्रेन की? नहीं, आप सहन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है थोड़े समय के लिए बैठे। फिर आपने देखा कि जो है वहां की जो सीट है उस थोड़ा उसमें ना वो फटी हुई है, तो आप जल्दी से अगले स्टेशन से दर्जी को बुलाएंगे और सीट को सिलवा देंगे? नहीं, क्यों नहीं सिलवा देंगे? टेम्पररी है, कल सुबह हम लोग उतर के चले जाएंगे। अहमदाबाद स्टेशन पे आप उतरेंगे या सीट पे बैठे रहेंगे जीवन भर? उतर जाएंगे। क्यों उतर जाएंगे? क्योंकि वो टेम्पररी था। हाँ, आपने वो जो सीट है उसकी फैसिलिटी को यूज किया और अहमदाबाद स्टेशन पे उतर, और रास्ते में जो थोड़ा इनकन्वीनियंसेस आ रही थी उसको आपने सहन कर ली। लेकिन यही अगर आपको जीवन भर उसी ट्रेन में रहना होता तो आपको बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति मुंबई से अहमदाबाद की ट्रेन में बैठा है और यही सब अरेंजमेंट्स कर रहा है, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, जब तक अरेंजमेंट करेगा तब तक अहमदाबाद स्टेशन आ जाए, उतरने का टाइम हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? अरे पागल है, अज्ञानी है, कुछ समझता नहीं है क्या? अभी तो कुछ घंटों बाद उतरना है, तो यही सिचुएशन हमारा। किसी भी समय मृत्यु हमारी आ सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन निकालने में लगे हैं। हाँ,
चलो आपको अहमदाबाद स्टेशन पे उतरना है, आपको मालूम है 5 बजे उतरना है सुबह। हाँ, यहाँ पे आपको मालूम है कि आप रात में 10 बजे बैठे हो, तो सुबह 5 बजे आपको उतरना है, आपका स्टेशन 5 बजे है। लेकिन यहाँ पे कब मृत्यु आएगी पता नहीं, अभी भी आ सकती है, 2 दिन के बाद भी आ सकती है, 20 साल के बाद भी आ सकती है, 50 साल के बाद भी आ सकती, कभी भी आ सकती, आएगी लेकिन कभी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे तो हमें मालूम ही नहीं है कि कब आएगी, और फिर हम यहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट्स करते में लगे हुए हैं, और इमिडिएटली कुछ ऐसा होगा, सब खत्म हो जाएगा, सुनामी की लहर आएगी, सब उड़ा के ले जाएगी, और हम यहाँ पे अरेंजमेंट करते रहते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है, ये जानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। दूसरा सिद्धांत क्या है, ये यहाँ पे जो आने वाले जो सुख और दुख है इसको सहन कर। तीसरा सिद्धांत क्या है, अगला श्लोक, यम ही ना व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा समा सुखा समा दुखा सुखम धीरम सो अमृतवा य कल्पते। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान बताते हैं कि ये जो सुख और दुख है इसको सहन करते हुए क्या करो, अपना ड्यूटी करो, क्या करो, अपनी ड्यूटी करो, अपने अपना जो भी आपका ड्यूटीज हैं उसको करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ बैठ गए एक तरफ, लो सहन कर रहा, तो ऐसे बैठ के कब तक सहन करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर कभी मन दुखी होगा तो कभी सुखी होगा, कभी मन ना करेगा कि सब कुछ ठीक है लाइफ में, कभी मन करेगा कि अरे कुछ भी ठीक नहीं है लाइफ में, कभी लोग आसपास के बुरे लगेंगे, कभी अच्छे लगेंगे, कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी ठीक लगेगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि आप बैठ गए, बस अपना ड्यूटीज नहीं कर रहे हो अच्छे से। जब आप ये बोल रहे हो कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो अब हम क्या करें, आत्मा के लेवल पे काम करना पड़ेगा। आत्मा के लेवल पे काम करने का क्या मतलब है, भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा, कंटिन्यूस सेवा में लगना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ चैंटिंग और रीडिंग करना या भगवान यही सेवा है, नहीं, और भी फिजिकल सेवाओं में भगवान के जुड़ना पड़ेगा, अपने आप को लगाना पड़ेगा सेवाओं, तभी तो आएगा, नहीं तो आप एक तरफ बैठ के सहन करोगे कब तक, नहीं कर पाएंगे ना, बिना कुछ करे आप सहन करते करते आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, टॉर्चर हो जाए। तो पहला सिद्धांत ये समझना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। दूसरा, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको सहन करें, और सहन करते हुए अपनी सेवाओं में लगे। लेकिन इन तीनों सिद्धांतों को जो है कंटेन करने वाला एक और सिद्धांत है, वो क्या है, भक्तों का संग। ये हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, ये तभी कर पाएंगे। जब तक हम लोग भगवान के भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, तब तक इन सिद्धांतों को हम लोग सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए संग में आना जरूरी है। संग में आके क्या करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, संग में आके क्या करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, संग में आके क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। जब हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे भगवान के भक्तों के संग में, तब ग्रेजुअली जो है हमारा एटीट्यूड बनेगा भगवान की शरणागति। क्योंकि जितना हम लोग भगवान के बारे में सुनेंगे भक्तों से, उतना हम लोग जो है भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में, भगवान की पावर के बारे में, शक्तियों के बारे में, कैपेबिलिटीज के बारे में कन्विंस होंगे। और जितना हम भगवान की शक्तियों के बारे में कन्विंस होंगे, उतना हम उनकी शरण लेंगे। भाई जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं,
तो हम उस व्यक्ति की शरण लेते हैं जिसको हम बहुत पावरफुल मानते हैं। एक छोटा बच्चा जब प्रॉब्लम में होता है कहाँ भागता है? अपनी माँ के पास भागता है, क्योंकि वो माँ को जानता है कि वो पावरफुल है, तो वो उनके पास ही जाता है। एक बड़ा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब प्रॉब्लम्स में आता है कहाँ भागता है? अपने मन के पास, और खुद से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे डील करूं। लेकिन एक डिवोटी, एक भक्त क्या करेगा? वो भगवान के पास जाएगा, भगवान की शरण लेगा और भगवान की रक्षा के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अर्जुन इस सिचुएशन में कर रहे हैं, किसकी शरण में गए? भगवान की शरण। जब द्रौपदी के लाइफ में प्रॉब्लम आया तो द्रौपदी ने शुरू में जो है खुद को सेल्फ डिफेंस करने का कोशिश किया, लेकिन इतना सेल्फ डिफेंस करने के बाद भी देखा कोई फायदा हो नहीं रहा, क्या किया? भगवान की शरण। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि कोई कह सकता है कि हम तो भगवान की शरण लेते हैं लेकिन हमारे हिसाब से भगवान जो है हमारी रक्षा नहीं कर, हमने तो भगवान की शरण ली लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत हो गया, हमने तो भगवान की शरण ली और फिर भी भगवान का शरण लेने के बाद भी हमारे साथ जो है गलत हो गया, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे सिद्धांत ये है कि भगवान जो है जो भी करते हैं वो सही है, भगवान जो भी करते हैं वो सही है, क्योंकि कृष्ण जो है हर तरह से शुभदा है। शुभदा का मतलब क्या है? शुभ करने वाले। हम अपनी सीमित बुद्धि से, क्योंकि हमारे अंदर चार तरह के डिफेक्ट हैं, क्या क्या है चार तरह के डिफेक्ट? हमारे जो इंद्रियां हैं वो लिमिटेड हैं, हम गलती करते हैं, हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, हम चीटिंग करते हैं। और जब हमारी इंद्रियां लिमिटेड हैं, हम गलतियां करते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की एक्टिविटीज को कैसे समझ सकता है? ऐसा व्यक्ति भगवान की एक्टिविटीज को कैसे समझ सकता? तो हमें अपनी सीमित बुद्धि से भगवान को जज करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हमें अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस को बीच में नहीं लेके आना चाहिए, ये हमें कैसा फील हो रहा है, भगवान की कृपा हमारी फीलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती, भगवान की कृपा हमारी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, भगवान वो करेंगे जो हमारे लिए ठीक है। जैसे एक डॉक्टर, अभी एक डॉक्टर के पास पेशेंट आया तो डॉक्टर ने उसको मना किया मीठा खाने, क्यों? क्योंकि उसका शुगर लेवल बहुत हाई था, उसको मना किया। वहीं पे दूसरा डॉक्टर, वहीं पे एक दूसरा पेशेंट आता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम मीठा खाओ क्योंकि तुम्हारा बॉडी का भी शुगर लेवल कम है, तुम्हारे को जो है बेहोशी हो जाएगी। वो उसको बोलता है तुम रसगुल्ला लो, आइसक्रीम खाओ, कुछ मीठा खाओ, तुम्हारा शुगर लेवल बहुत कम है। तो डिपेंडिंग कि हमारा क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से भगवान हमारे साथ डील करेंगे। जब जरूरत है तो कुछ देंगे, जब जरूरत है तो कुछ हर लेंगे, ले लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर? ऑब्जेक्टिव ये है कि भगवान चाहते हैं कि हम जो है भक्ति में आगे बढ़े। जैसे सुदामा के केस में हमने देखा कि जब सुदामा भगवान की शरण लेने के लिए आए तो भगवान ने क्या किया, सुदामा को इतना बड़ा जो है राज्य दे दिया, महल दे दिया, वैकुंठ के समान राज्य दे दिया सुदामा। हमने एग्जाम्पल देखा नारद जी का,
नारद जी का एक बार इच्छा होती है कि वो जो है विवाह करना चाहते, ये लीला है, नारद जी जो है विवाह करना चाहते और वो जो है भगवान से आके कहते हैं कि प्रभु मैं इस स्त्री के प्रति मुग्ध हूं और मैं इससे विवाह करना चाहता हूं, तो मेरे को एक सुंदर रूप दे दीजिए और आपके समान कोई और सुंदर नहीं है, मुझे हरि स्वरूप दे दीजिए, हे हरि मुझे आपके समान हरि स्वरूप दे दीजिए। तो नारद ने क्या कहा, मेरे को हरि स्वरूप दे दीजिए। तो नारद जी को भगवान ने हरि स्वरूप दे दिया। एक हरि का मतलब क्या होता है, बंदर। तो भगवान ने नारद जी को बंदर के समान रूप दे दिया, कुरूप कर दिया। और नारद जी सोचते हैं कि अरे मैं तो हरि स्वरूप हो गया हूं और अब जो है विवाह के लिए खड़े हो गए, तो स्वयंवर में जो है वो जो रानी थी उसने विवाह नहीं किया नारद जी से, तो इससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। सुदामा को पूरा राज्य दे दिया और नारद जी को जो है हरि के समान स्वरूप, बंदर के समान रूप दे दिया। दोनों ने भगवान की शरण ली, दोनों ने भगवान की शरण ली, फिर भी ऐसा हुआ। फिर हमने देखा कि सुभद्रा जो भगवान की खुद की पर्सनल बहन है, हाँ खुद की बहन है, उसका बेटा अभिमन्यु जो है युद्ध में मारा जाता है। कैसे, अन्याय में। द्रौपदी के पांचों बच्चे, छोटे बच्चे जो है सोते हुए कंडीशन में मार दिए जाते, लेकिन भगवान जो है संदीपनी मुनि के जो है बच्चे जो मर गए थे उनको जो है यमलोक से वापस लेके आते हैं। इधर बच्चे मर गए, हाँ कुछ नहीं किए, उधर जो है संदीपनी मुनि के बच्चे यमलोक से वापस लिया है। सुदामा को पूरा राज्य दे दिए, हाँ नारद को बंदर के समान रूप दे के उनका जो है प्रॉब्लम को और प्रॉब्लमेटिक कर दिए। तो हम इतने अलग अलग सिचुएशंस में भगवान अलग अलग तरह से डील करते हैं, ये देखने दिखाते हैं कि सबका सिचुएशन अलग। जरूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो जब मिलेगा तभी सुख मिलेगा। कई बार हम अपने फीलिंग से, अपने थॉट से, अपने प्लान से इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम भगवान की शरण लेंगे तो भगवान वही करेंगे जो हम चाहते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान वही करेंगे जो हम चाहते हैं, ये गलत है। इसको शरणागत होना नहीं कहते। यहाँ पे शरणागति का मतलब क्या है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुवाधिकार। आप चाहे मारिए चाहे मुझे रखिए चाहे रक्षा कीजिए, आप जो इच्छा है सो कीजिए, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास। ये जो है सही चेतना है, लेकिन ये चेतना को डेवलप करने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा सुन लिया या थोड़ा सा जप कर लिया, कुछ साल जप कर लिया, ये चेतना डेवलप हो जाएगी। इस चेतना को डेवलप होने में समय लगेगा, तो हमें जो है उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ जो है भक्ति करना है। उत्साह रखना होगा, निश्चय रखना होगा, धैर्य धारण करना होगा और इसके साथ जो हमें भक्ति करनी होगी, कैसे, भक्तों के संग में। और जब हम भक्तों के संग में रहते हुए भक्ति करेंगे तब क्या होगा, तब जो है हम ग्रेजुअली इस पॉइंट पे आ पाएंगे। और इस सिद्धांत पे आने के लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, बार 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 अपने को याद दिलाना होगा कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, शरीर नहीं है आत्मा है, और हमारी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको सहन कर रहे हैं, लेकिन केवल सहन करते हुए एक तरफ बैठ ना जाए, सेवाओं में जुड़े,
कैसे जुड़े? भक्तों के संग में जुड़े। बार बार सुनिए भगवान के बारे में, नहीं तो क्या होगा ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और हम जो है दोबारा अपने मन की शरण लेंगे। मन क्या बोल रहा है? मन आज सुखी है, मन आज दुखी है, मन आज गुस्से में है, मन आज फ्रस्ट्रेटेड है, शरण ले। तो हमारा सिचुएशन जो है तोते के जैसा नहीं हो जाना चाहिए कि तोता जो है उसको आपने राम राम बोलना तो सिखा दिया, तोते को राम राम बोलना सिखा दिया, लेकिन जब आपने तोते का गला दबाया फिर से वो टैं 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 करने लगा। अब राम राम किधर चला गया? अब अपनी औकात पे आ गया टैं टैं करने। ये सिचुएशन नहीं हो जाना चाहिए हमारा। ये जो भक्ति है केवल ये मुंह का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, ये दिव्य ज्ञान हृदय का विषय। तो इसलिए जो है कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी, और कनेक्शन होने के लिए समय देना पड़ेगा। जैसे जब लड़के लड़की की शादी होती है तो संबंध बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है, साथ में उठना बैठना, खाना पीना, अपनी बातें शेयर करना, हंसना बोलना, सब कुछ करेंगे तब जाके संबंध बनता है। वैसे ही साथ में टाइम देना होगा, भगवान के साथ में आपको टाइम देना होगा। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझ में लगाओ, मेरा स्मरण करो। मच्चता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतिश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। मच्चता अपना चित्त मेरे में लगाओ, बोधयंत परस्परम कथयंतिश्च माम नित्यम, मेरे बारे में बात करो, मेरी कथा को चर्चा करो। ग्राम्य कथा ना सुनी वो, ग्राम्य कथा ना बोली वो, ग्राम्य कथा जो कॉमन जो संसारी बातें ना सुनो ना बोलो। भालो ना खाई वो, भालो ना पहनी वो। भगवान बार बार ये सिद्धांत को दे रहे। तो ये जब हम इस तरह से समय देंगे तो ग्रेजुअली जो है हम इस पॉइंट पे आएंगे कि हर सिचुएशन में भगवान की शरण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान के भक्तों के संग में आके शरण लेना, नहीं तो हम सबका टेस्ट तो हो ही रहा है, हम सबका टेस्ट हो ही रहा है। और जितना भी हम कर रहे हैं बार बार हर रोज प्रैक्टिकली हर रोज हमारा टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं वो बताएगा कि अभी हम लोग कितने लेवल पे हैं, हम लोग भगवान की कितनी शरण ले रहे हैं। तो भगवान की शरण लेना है तो भगवान की सेवा करना होगा, नहीं तो शरण प्रैक्टिकली नहीं ले पाएंगे। सिर्फ बोलने से शरण नहीं मिलती है ना, वो सिर्फ बोलने से शरण नहीं मिलेगी, हमें कुछ करना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुरु के निर्देशन में रहते हुए सेवा करनी। कब तक सेवा करनी होगी? जीवन पर्यंत सेवा करनी पड़ेगी। और इस सिद्धांत को बार बार याद दिलाना होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एडजस्ट करने में ज्यादा टाइम ना लगे। ऑब्वियसली हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत सेट करते हैं, लेकिन स्टिल जो है इस संसार का नेचर टेम्पररी है, यहाँ की प्रॉब्लम भी टेम्पररी है, हमारे एडजस्टमेंट्स भी टेम्पररी। तो हम जो है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा अरेंजमेंट्स में ना लग जाएं कि हमारा पूरा मन उसमें लग जाए, फिर हम जो है अपने रास्ते से डेविएट हो जाए। सेवाएं करें भक्तों के संग में रहते हुए, ग्रेजुअली हम लोग भगवान के शरण लेंगे और फिर जो है हम अनन्य रूप से भगवान की भक्ति में लगे। जब हम इस तरह से अनन्य रूप में भगवान की भक्ति में लगेंगे तब क्या होगा? फिर भगवान क्या कहते हैं कि जो लोग मेरे को अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं योगक्षेमम वहां, जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ,
और जो उनको चाहिए मैं उनको देता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रोकेंगे, और अगर किसी का कोई